आज हम सीखते हैं बेटा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन करना नहीं आता तो फिजिक्स में बेटा कोई भी न्यूमेरिकल आपको आसान नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक टेबल याद करनी है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसी तरीके से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब सपोज आपको निकालना है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बड़ा सिंपल है, मीटर से स्टार्ट हो जाओ, सेंटीमीटर पे एंड कर दो। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सपोज आपको निकालना है एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो मीटर से स्टार्ट हो जाओ, मिलीमीटर पे एंड कर दो। तो एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। तो इससे किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो एक ग्राम से स्टार्ट हो जाओ, मिलीग्राम पे एंड कर लो, तो 1000 मिलीग्राम। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से स्टार्ट हो जाओ और मीटर तक पहुंच जाओ, तो 1000 मिलीमीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तुम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, बस तुमको ये पता होना चाहिए, इस ऑर्डर में याद होना चाहिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर आपको इस ऑर्डर में याद है तो आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, कभी दिक्कत आती ही नहीं है। अब जैसे मैं एक मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले हम देखेंगे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो एक मीटर स्क्वायर में 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो हम याद रखेंगे टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10^4। 10^4 से डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है, और बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो पहले हम देखेंगे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100, और इस पे क्यूब लगाया तो तुम भी क्यूब लगा दो। तो एक मीटर क्यूब में 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। तो टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब डिवाइड बाय 10^6। अगर आपको यूनिट कन्वर्ट करना आ गया तो फिजिक्स में आपको सारे न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आपको पावर ऑफ टेंस का भी नॉलेज होनी चाहिए। पावर ऑफ 10, 10^-1 होता है डेसी, स्मॉल डी से लिखते हैं। 10^-2 होता है सेंटी, सी लिखते हैं। 10^-3 होता है मिली, स्मॉल एम। 10^-6 माइक्रो म्यू। 10^-9 नैनो एन। 10^-12 पीको पी। 10^-15 फर्मी एफ।
टेन की पावर माइनस 18 एटो ए, टेन की पावर माइनस 21 जेप्टो जेड स्मॉल जेड। अब टेन की पावर 1 डेका डीए, टेन की पावर 2 हेक्टो एच, टेन की पावर 3 किलो के, टेन की पावर 6 मेगा कैपिटल एम, टेन की पावर 9 गीगा जी, टेन की पावर 12 टेरा टी, टेन की पावर 15 पेटा पी, टेन की पावर 18 एक्सा ई, और टेन की पावर 21 जेटा कैपिटल जेड। तो जिस पे टिक कर दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो यूज़ होंगी फिजिक्स में, और बाकी की आप याद करना चाहें करें नहीं करें नहीं करें, इतनी तो यूज़ होती हैं जिस पे टिक कर दिया है। अब इसको यूज़ करना बताते हैं, यूज़ करना कोई नहीं बताता। जैसे 1 मिलीमीटर है तो मिली मीटर, तो मिली वर्ड हटाना है तो 10 की पावर -3। 1 किलोग्राम है तो के हटाना है तो 10 की पावर 3 ग्राम। 1 माइक्रोसेकंड है, माइक्रो हटाना है 10 की पावर -6 सेकंड। 1 पिको फेरेड है तो 10 की पावर -12 फेरेड। फेरेड जो यूनिट होती है वो कैपेसिटेंस की होती है, तो ये 12th में काम आता है कैपेसिटेंस। 1 माइक्रो कूलम चार्ज है तो 10 की पावर -6 कूलम चार्ज हो गया। इसके अलावा 1 एंगस्ट्रॉन्ग भी बहुत काम आता है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम है, 2 बार माइक्रो है तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 कूलम, 10 की पावर -12 कूलम। तो अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर है 10 की पावर -9 मीटर, ये हम यूज़ करते हैं लाइट लाइट की वेवलेंथ बताने के लिए, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन्ग भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो लिखेंगे 10 की पावर -3 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ऐसे भी कन्वर्ट करना आ सकता है, अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाता है, क्यूब है तो क्यूब लग जाता है। 1 मिलीमीटर क्यूब है तो 10 की पावर -3 मिली हटाया उसका क्यूब, तो क्यूब तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर क्यूब। ये ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, किसी भी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है इसलिए सिखाया है। और देखते हैं और कौन से यूनिट कन्वर्ट करना आ सकते हैं हमारे काम में। जैसे डेंसिटी दे रखी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमको जब यूज़ करनी पड़ेगी तो SI सिस्टम में यूज़ करनी पड़ेगी। SI सिस्टम में इसलिए यूज़ करनी पड़ती हैं क्योंकि सारे कांस्टेंट SI में याद होते हैं, तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करते समय इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो बड़ा सिंपल होता है, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए मैं डिवाइड करूँगा 1000, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं करूँगा 10 की पावर 6 से डिवाइड नीचे, तो ये नीचे डिवाइड किया है
तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 6 और नीचे आ जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा 2.5 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जैसे स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में ले जाना है। तो किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर से सेकंड में जाएंगे तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 5/18, सॉल्व करके तो 25/18 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और यूनिट जो पता होनी चाहिए, किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, और ग्राम फोर्स और ग्राम वेट 989 के बराबर होता है, 989। अब हम ये जानेंगे न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन फोर्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास किलोग्राम में होता है और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। तो हमको न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको डायन में करने के लिए डायन क्या होता है? डायन होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम को ग्राम में करना है तो 1000 ग्राम, 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, तो 1 न्यूटन हो जाता है 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो ऐसे हम ये रिलेशन याद होनी चाहिए, काम आएगी आगे। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये जो आप फॉर्मूले बताए हैं ये याद होनी चाहिए वैल्यूज़। अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल करने में। तो न्यूमेरिकल करने के लिए यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए, बिना यूनिट कन्वर्ट करे न्यूमेरिकलों में दिक्कत आती है। इसीलिए ये वीडियो बनाई है जिससे बच्चे यूनिट कन्वर्ट करना सीखें और फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई करें। जूल क्या होता है? 1 जूल, 1 जूल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होती है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। और 1 अर्ग क्या होता है? 1 अर्ग, अर्ग मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट वर्क की। और जूल जो होता है ये एसआई यूनिट ऑफ वर्क है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 अर्ग होता है 1 डाइन × 1 सेंटीमीटर। अब 1 जूल को अर्ग में करना है तो पहले न्यूटन को डाइन में करना पड़ेगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, और फिर इसके बाद 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिना यूनिट कन्वर्ट करे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। और यूनिट करके कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे प्रेशर है, प्रेशर सपोज दे रखा है 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 5 डाइन को न्यूटन में करना है तो न्यूटन बड़ा यूनिट है तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर 5 से, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो आपको 10 की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 × 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 5, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 डाइन की जगह आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। तो इस तरीके से आप प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर भी होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस दिया है 5 किलोग्राम फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, तो आपको इसको ऐसा यूनिट में करना है। तो किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, तो 5 × 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, थोड़ा अलग सा। स्ट्रेस दे रखा है 5 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसा यूनिट में ले जाना है। तो हम जानते हैं कि ग्राम फोर्स में 980 डाइन होते हैं, तो 980 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 5 × 980 न्यूटन को डाइन में करने के लिए 10^5 से डिवाइड करेंगे, और सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर को करने के लिए 10^4 से इधर डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चला जाता है। 5 × 980 × 10^4/10^5 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 98, तो 8 × 5 = 40, तो 490 आ गया। तो 490 और यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ज़्यादातर आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल में कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें याद है, जैसे ग्रेविटी याद है, इट इज़ 9.8, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.6 × 10^7 × 10^-11, दे आर इन एसआई यूनिट। अगर कुछ पार्ट एसआई रखोगे और कुछ पार्ट सीजीएस में रखोगे तो आंसर गलत आएगा। इसीलिए आंसर सही करने के लिए या सही न्यूमेरिकल करने के लिए एक ही सिस्टम अपनाओ, वो सिस्टम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। बाद में आंसर लाने के लिए कन्वर्ट करें। कभी कभी आंसर एसआई में सॉल्व करने के बाद सीजीएस में ले जाना पड़ता है, तो फिर वो भी कर सकते हैं।